नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का तरीका, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह इसका सत्र 9 और भाग 2 है, दोहराया जाता है। इस किताब के द्वारा दी गई सभी जानकारियां और सूचनाएं या तो आप जान सकते हैं या मान सकते हैं या नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। अब हम इसमें आगे चलते हैं तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या दूसरी घनत्वता की प्रजातियों में भी कोई ऐसा था जिसके दो हाथ, दो पैर और सर हो और वह अपने पैरों पर सीधा चलता हो? तो रा कहते हैं, ऐसी दो प्रजातियां थी जो कि दूसरी घनत्वता की थी पर दो पैरों पर चलते थे, परंतु बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा झुककर। वो कोशिश करते थे थोड़े समय तक सीधा चलने की, पर फिर अपने चारों पैरों का उपयोग करने लगते थे। तो डॉन कहते हैं, वो प्रजाति कहाँ से आई? क्या वो विकास क्रम में या कह लो इवोल्यूशन में का नतीजा था क्या, कि जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने समझा है, क्या वो धरती की मूल सामग्रियों से बने थे, मतलब धरती की चीज़ों से बने थे? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं, क्या वो प्रजाति दूसरी से तीसरी घनत्वता में विकसित हुए? तो रा कहते हैं, हाँ ये सही है, हालांकि हम ये निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं उन्होंने अपनी चेतना को समझने में कितना समय लिया जो कि तीसरी घनत्वता में जाने के लिए जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई दूसरी घनत्वता यानी जानवरों की श्रेणी से निकल के इंसान की श्रेणी में आना चाहता है ना, तो उसमें कितना वक्त लग जाए उस जानवर को ये कह नहीं सकते, क्योंकि जो तीसरी जो घनत्वता है यानी जैसे हमारे इंसानों के जैसी जो है, इतनी आप नोटिस करोगे कि उनके शरीर पे बाल, जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे शरीर पे कम बाल होते हैं, है ना, हमारा पूरा आकार अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं, रूप भी अलग होता है। तो ये जो होता है ना, इसमें जानवर से इंसान बनने में कितना वक्त लगता है ना, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ उस जानवर के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसकी चेतना यानी उसकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है, या कह लो उसकी जानकारी पे डिपेंड करती है कि वो इंसान की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या हमारे ग्रह में ऐसी कोई प्रजाति है जिनका अवतरण दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में हुआ हो? यानी क्या कोई ऐसी प्रजाति है जो मतलब दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आई हो, मतलब जानवर से इंसान की श्रेणी में? तो रा कहते हैं, इस समय ऐसी कोई दूसरी घनत्वता की चेतना का प्राणी यहाँ मौजूद नहीं है, हालांकि यह दो प्रजाति हैं जो कि दूसरी घनत्वता के रूप का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक प्रजाति है वो लोग जो मेल्डेक के थे। ये प्रजाति अपनी समझदारी पर कार्य कर रही थी। तो रा कहते हैं, इस समय ऐसी कोई दूसरी घनत्वता की चेतना का प्राणी यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब इस धरती पर, हालांकि यह दो प्रजातियां हैं जो कि दूसरी घनत्वता के रूप का इस्तेमाल करते हैं। यानी है तो जानवरी लेकिन दूसरी घनत्वता के हैं। उनमें से एक प्रजाति वो है जो कि मेल्डेक के थे। दोस्तों, मेल्डेक भी एक ग्रह हुआ करता था, अभी आपको पता चलेगा हुआ क्या वहां पे। ये प्रजाति अपनी समझदारी पर कार्य कर रही है तथा अपने सबक सीख रही है। वो हमारे धरती के भीतर रहते हैं और उन्हें बिगफुट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रजाति है ना बिगफुट, ये धरती के नीचे रहते हैं, धरती के नीचे। यदि आपको देखने तो अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुकना। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक डॉगमैन की फोटो है। ये जो फोटो है जिन्होंने ली थी, इनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफर्स, यानी ये इस तरीके के पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ना, इनको कैप्चर करते हैं। और आगे हम लोग देखिए, हमने तो ये किया था कि हम लोग ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी जब कोई और इसके ऊपर एक्सपर्ट है, इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देख ली थी। एक चैनल है गाया टीवी, GIA TV, तो हम लोगों ने वहाँ पर इसकी कुछ वो देख ली थी, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज क्रिप्टोग्राफर्स वगैरह की। और हमने मतलब इतना ज़्यादा घुसे नहीं इसके अंदर, कोई फ़ायदा लगा नहीं हमें। हालांकि इनके बारे में ये बोला क्या जाता है, अभी राह ही बता देंगे, कि इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे हम लोग चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर धीरे और ये वो, फिर होगा ये एक जगह से दूसरी जगह पर
लगभग 60 किलोमीटर की स्पीड से लेकर 200 किलोमीटर की स्पीड तक आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। और इनके पास भी ये कैपेबिलिटी होती है, या मतलब कह लो इनके पास ये शक्ति होती है कि ये गायब भी होना जानते हैं। तो आपको दिख भी जाएंगे तो आपके आँख के सामने ही गायब हो जाएंगे ये। तो ये कुछ इस प्रकार होते हैं, इसकी एक डिपिक्शन है हमारे पास ये। तो इस तरीके से इनको पहाड़ों में ना, अगर आप नेपाल वेपाल की साइड कभी जाओगे तो उनको येटी भी कहा जाता है। येटी, बचपन में मूवी सुनी होंगी आपने, येटी येटी आई लव यू, तो बस वो यही है, येटी आई लव यू। ठीक है, और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। खैर हमें तो कोई वो नहीं है शौक, क्योंकि ये वक्त की बर्बादी लगी थी हम लोगों को। तो आगे रहा कहते हैं, दूसरी प्रजाति जिन्हें इस घनत्वता में संरक्षकों द्वारा लाया गया था तथा उनके शरीर की बनावट कुछ इस तरह से की गई थी कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियों को झेल सके, चाहे वो परमाणु युद्ध ही क्यों ना हो। तो दोस्तों एक और कैटेगरी कह लो, या एक और तरीके की एक और प्रजाति बनाई गई, जो कि या मान लो न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना तो भी उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो उनको बोलते हैं डॉगमैन, मतलब कुत्ते जैसी शक्ल होती है। लेकिन इनकी ना आपने कई फिल्में हो सकते शायद देखी हो, जिनके अंदर वेयर वुल्फ, और इंग्लिश मूवीज में वेयर वुल्फ बना दिया, भेड़िया बना दिया, भेड़िए का इंसान और ये और वो, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या चीजें बनाए थे लोग। तो वो कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये है कहानी। पर हम लोगों ने इन पर भी ध्यान नहीं दिया ज्यादा, हालांकि आपको एक इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर कर रहे हैं कि आपको मतलब आपकी मतलब की हो या ना हो, आपकी इच्छा है कि अगर आप इजिप्ट के वो देखेंगे ना, जो उनकी दीवारों पे जो नक्काशी हुई हुई है, जो दीवारों पे चीजें बनी हुई हैं, उन पे आपको डॉगमैन भी दिख जाएंगे और आपको बिगफुट भी दिख जाएंगे, दोनों के दोनों ही दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब है, रा इसका मतलब उस जमाने में भी आके इनको बता के गए थे कि हाँ ये दो प्रजातियां भी हैं। तो खैर आगे चलते हैं। डॉन कहते हैं, हमें समझ नहीं आया कि ये कौन सी प्रजाति है जिसे अपने परमाणु युद्ध के स्थिति तक बचा के रखा हुआ है आपने। तो रा कहते हैं, ये प्रजाति जो कि दूसरी घनत्वता का प्राणी है, जिसके पास सूझबूझ भी है, जिन्हें संरक्षकों ने अभी भी एक जीन पूल में संभाल कर रखा है, यदि उनकी जरूरत पड़े तब इनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि इनका शरीर परमाणु युद्ध के खतरनाक रेडिएशन भी सहन करने में सक्षम है, जबकि आप लोग इसे नहीं झेल सकते हैं। मतलब परमाणु युद्ध भी हो जाए ना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। पता है क्यों नहीं पड़ सकता? उसका कारण है, गायब हो जाते हैं हवा के अंदर ही, और गायब होके इतनी अंदर घनत्वताओं में चले जाते हैं, इतनी अंदर घनत्वताओं में चले जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने बताया था ना कि गायब हो जाना, तेजी से अपने आप की कंपन इतनी तेजी से कर देते हैं कि बाहर जो रेडिएशन होंगी ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनके पास ही होती है। और अगर आप इजिप्ट के उसमें देखोगे ना, क्या कहते हैं उनकी नक्काशी वगैरह में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक आध जो थे उनके रक्षकों के लिए रखे हुए थे अपने लिए, कि अगर ये हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर भी ये सारा ड्रामा इस टाइप का कुछ था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, ये प्रजाति कहाँ मौजूद है? तो रा कहते हैं, ये प्रजाति एकदम घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां लोगों की आबादी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। आपके ग्रह की सतह पर ये कई हैं, मतलब ये इनकी भी आबादी है अच्छी खासी, बहुत है इनकी आबादी अच्छी खासी। ये छुप जाते हैं इधर से उधर, मतलब आपकी आंख के सामने आ भी गए ना तो आप तो घबरा जाओगे, आप कहोगे अरे बाप रे किंग कॉन्ग आ गया मेरे सामने, और आप पिंग पोंग हो जाओगे इसके बाद। लेकिन ये आपके सामने आएंगे और तुरंत भाग जाएंगे। एक क्रिप्टोग्राफर है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस क्रिप्टोग्राफर ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है इसके ऊपर, और वो हमें गाया टीवी पे ही मिली और कहीं नहीं मिली। उसका सब्सक्रिप्शन होता है, आपकी इच्छा है देख लेना जो भी आपका मन हो। तो क्या कहते हैं, उसने बनाई थी और उसने काफी अच्छी अच्छी वीडियो फुटेज भी बनाई थी इनकी। तो हम लोगों ने देखा, एक ही बार देखा, हम लोगों ने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया क्योंकि एक का ज्ञान ज्यादा जरूरी लगा हमें हमको। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या ये बिगफुट की तरह के प्राणी है? तो रा कहते हैं, ये सही है, हालांकि हम इन्हें बिगफुट नहीं कहते हैं, इनका पकड़ में आना मुश्किल होता है। पहली प्रजाति इतनी सचेत है, परंतु दूसरी प्रजाति बचकर भाग जाने में माहिर होती है, क्योंकि उनके पास तकनीक का ज्ञान होता है जो उनके यहाँ आने से पहले उनके पास था। इन प्राणियों की चमकती आंखों से आपके
काफी लोग परिचित हैं, मतलब वही वेयरवुल्फ टाइप के, अगर ये अंधेरे में होंगे ना तो इनकी आंखें चमकेंगी, जैसे शेर चीते की इनकी भी चमकती है ना, बिल्लियों की भी चमकती है, इवन कुत्तों की भी चमकती है, इनकी चमकती है लेकिन इनकी बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, मतलब एकदम रोशनी जैसी होती है इनकी। ये इस सत्र का फिर आखिरी सवाल था, तो डॉन कहते हैं, यानी यहाँ दो तरीके के बिगफुट हैं, क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, ये आज का अंतिम सवाल होगा, यहाँ तीन तरीके के बिगफुट हैं, जैसा कि हमने पहले दो बता दिए हैं, तीसरे तरह के बिगफुट एक सोच की अवस्था, थॉट फॉर्म है, यानी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे हैं जो कि गायब हैं, मतलब हैं इसी हवा के अंदर लेकिन गायब हैं, जानवर ही हैं, इसी तरीके के बिगफुट हैं परंतु हवा में गायब हैं, वो इसी हवा से निकल के बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं, दोनों चीजें हैं उनके अंदर, ये महारत हासिल की हुई है उन्होंने। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को भी हम यहाँ समाप्त करते हैं, और जैसा कि रा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदरणीय हमारे भाइयों, आदरणीय वासु, धन्यवाद।